नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश और विदेश की मुख्य खबरों के साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि राज्य भर के 36 केंद्रों में वोटों की गिनती होगी। चुनाव अधिकारियों को कर्नाटक चुनाव परिणाम के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर दोपहर तक सामने आने की उम्मीद है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में जातिगत भेदभाव पर बैन लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बना है। विधेयक पर गवर्नर के दस्तखत कराने से पहले इसे राज्य के अपर हाउस से भी पारित किया जाएगा। भारत में आज मौसम चौंकाने वाला रहेगा, क्योंकि देश के उत्तर भारत समेत कई हिस्सों में तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अब बिहार और महाराष्ट्र समेत देश के 6 राज्यों में लू चलेगी, जबकि चक्रवाती तूफान के चलते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान आज कोलकाता जाएंगे। वो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के ग्राउंड में दबंग द टूर रिलोडेड नाम के एक प्रोग्राम में शामिल होंगे, जहां उनका लाइव शो होगा। इससे पहले सलमान कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सीएम से मिलने के लिए समय मांगा था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने वाले मुंबई एनसीबी के पूर्व चीफ समीर वानखेड़े के घर पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापा मारा। जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि समीर ने क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को ना फंसाने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। समीर के एक साथी ने इस मामले में कथित तौर पर 50 लाख रुपए लिए थे। द केरला स्टोरी फिल्म न दिखाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि जब पूरे देश में फिल्म चल रही है तो दोनों राज्यों को क्या दिक्कत है, फिल्म को क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है, फिल्म को दर्शकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो फिल्म देखना चाहते हैं या नहीं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन आज पटना में होने जा रहा है। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री पटना के नौबतपुर स्थित तरेठ पाली मठ के प्रांगण में 13 मई से 17 मई तक हनुमत कथा का प्रवचन करेंगे। लंबित मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन को लेकर जिला व्यवहार न्यायालय में आज सुबह 10 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन जिला और सत्र न्यायाधीश की ओर से किया जाएगा। इस दौरान मामले के निष्पादन को लेकर 6 बेंच का गठन किया गया है। सुबह की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।